हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्पेस इनफाइनाइट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिटेबल जोन के बारे में और हमारे सोलर सिस्टम के कुछ हैबिटेबल प्लैनेट्स के बारे में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको इस बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगने वाले हैं इस वीडियो में। ट्रेडिशनली हैबिटेबल जोन एक ऐसा रीजन माना जाता है किसी स्टार के अराउंड जहां पर अगर कोई रॉकी प्लैनेट प्रेजेंट हो तो उस पर लिक्विड वाटर होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। इस रीजन को बोलते हैं हैबिटेबल जोन। लेकिन क्या पोटेंशियली हैबिटेबल होना किसी प्लैनेट पर लाइफ सपोर्ट करने के बराबर माना जा सकता है? क्या इससे ये पता लगता है कि कोई प्लैनेट लाइफ सपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं? अगर हमारे सिर्फ सोलर सिस्टम की बात करें तो अर्थ के अलावा दो और प्लैनेट्स हैं जिन पर पोटेंशियली लाइफ सपोर्ट हो सकती है, जो कि है मार्स और वीनस। आज तक के रिसर्चेस में ये पता लगा है कि मार्स पर भी पहले लाइफ सपोर्ट करने लायक कंडीशंस प्रेजेंट थी। पहले मार्स के पास अपना खुद का एटमॉस्फेयर भी था और हो सकता है कि मार्स पर पहले ओशंस और रिवर्स भी प्रेजेंट हो, क्योंकि अभी तक के रिसर्चेस से हमको ऐसे मार्क्स मिले हैं मार्स पर जो कि इशारा करते हैं कि उस पर पहले रिवर्स और ओशंस भी प्रेजेंट थे। लेकिन टाइम के साथ साथ बिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान सन की हीट और मार्स की कम ग्रेविटी की वजह से मार्स का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म हो गया। मार्स अपने एटमॉस्फेयर को सस्टेन नहीं कर पाया और इसीलिए धीरे धीरे उस पर से जो ये वाटर और जो एटमॉस्फेयर था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी तरह वीनस पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटीज मार्स से भी ज्यादा कम है। वीनस भले ही हैबिटेबल जोन में प्रेजेंट हो, लेकिन उस पर प्रेजेंट ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से उसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और उसके सरफेस के रफ एंड टफ क्लाइमेट की वजह से, हॉट टेम्परेचर्स की वजह से उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। फ्रेंड्स, किसी प्लैनेट को हैबिटेबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जरूरी होती हैं वो हमको ठीक से नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास अभी अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल प्लैनेट है। तो इसीलिए हम सिर्फ अर्थ को ही रेफरेंस लेकर बाकी प्लैनेट्स को, बाकी एक्जो प्लैनेट्स को रिसर्च करते हैं, उन पर ढूंढते हैं कि ऐसे प्लैनेट्स जो कि अर्थ जैसे हों और उन पर अर्थ जैसी लाइफ पॉसिबल हो सके। हमारे लिए ऐसा इमेजिन करना कि कोई ऐसा प्लैनेट हो जिस पर कोई भी हार्ड सरफेस ना हो, लेकिन उस पर एक ऑर्गेनिक लाइफ प्रेजेंट हो, उस पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो, ऐसा इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमें ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे अर्थ पर ऐसे टाइप की लाइफ फॉर्म नहीं इवॉल्व हुई है। यहाँ तक कि हमको ये भी एग्जैक्टली नहीं पता कि अर्थ पर लाइफ फॉर्म एग्जैक्टली कैसे इवॉल्व हुई है। हो सकता है अर्थ की जो लाइफ फॉर्म है वो कई बार फॉल स्टार्ट होकर रीस्टार्ट हुई हो। फर्दर, जैसे जैसे अर्थ की एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री या फिर कहा जाए तो एटमोस्फेरिक कंडीशंस चेंज होती गई, वैसे वैसे यहाँ पर लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व होती गई। जो हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स हैं मार्स और वीनस, वो इतने लकी नहीं रहे, लेकिन हमारा अर्थ इस प्रोसेस में सक्सेसफुल रहा और आज हम इस कंडीशन तक पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, किसी एलियन लाइफ को खोजना या फिर हैबिटेबल प्लैनेट को खोजना जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, लेकिन डेली रिसर्चेस की हेल्प से हम धीरे धीरे इसके आंसर के करीब जाते जा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में जब तक टेलीस्कोप टेक्नोलॉजीज इवॉल्व नहीं होती और जब तक हम किसी ऐसे प्लैनेट की खोज खुद जाकर नहीं कर लेते जिस पर लाइफ पॉसिबल हो, तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि 100% कोई प्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग स्पेस रिलेटेड वीडियोज लाता रहता हूँ। तब तक देखते रहिए स्पेस इनफाइनाइट।